गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं चाइना यादगार पे, जो कि ये भी हमारे ही अपने इलाके में ही है। तो आपको दिखाते हैं इसके कुछ नज़ारे, दिखाते हैं आप लोग को पीछे जो दिख रहा है, दिख रहा है आपको थोड़ा सा, हाँ दिख रहा होगा। चाइना यादगार, इसकी एक बेसिक एक हिस्ट्री है, इसकी वजह से इधर एक मज़ार कायम किया है चाइनीज़ में, कुछ लिखा भी इसके ऊपर। ये आपको मेरे दोस्त बताएगा इसको, इसलिए कहते हैं जब ये केकेश जो रोड है वो बन रहा था, चाइना के जितने भी लोग इधर जो मर गए थे तो वो मतलब उनके लिए उनके मज़ार बनाया गया और इस पे एक यादगार जगह बनाया गया है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल तो बहुत, इसी वजह से चाइना यादगार बनाया गया है जो कि दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है। साइड में यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, वो सब कुछ दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो जा रहे हैं, अभी थोड़े से मज़ार भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये जो चाइना यादगार है, काफ़ी बड़ा जगह यहाँ पर लिया है और अंदर से थोड़ा पेड़ भी लगाया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान जिनको यहाँ पर दफनाया है, यहाँ पर लाकर उनके पाकिस्तान यहाँ पर है। तो हम आपको बताएं तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान दोस्ती की एक मिसाल यही है कि आपके सामने आपको दिखाते हैं जी भाई। तो ये देख सकते हैं आप चाइना के जो लोग हैं उनके मज़ार है, तो ये चाइनीज़ में लिखा है, तो चाइनीज़ में पढ़ना नहीं आता है, तो हम जी आप खा सकते हैं। इनके नाम इधर लिखे हैं लेकिन ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखे, तो आपको इनकी भी थोड़ी सी देखिए आप लोग खुद, ये देखिए चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट करके आप कह सकते हो कि किसका नाम है, कौन हो सकता है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हाँ, किसी को ये नाम पढ़ना चाइनीज़ पढ़ने आते तो कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ हाँ, ये पहले वाले का ही नाम बताया, कौन भाई था हमारा, तो हम शायद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप विश के लिए आ जाए यहाँ पे, बहुत ही फोटो निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है यहाँ पे, और साया भी है यहाँ पे, तो फिर आ जाओ। तो दोस्तों बाकी आपको आप यहाँ पर मंजिल आप देख सकते हैं, बाकी ये जगह बहुत खूबसूरत बनाया है, आप यहाँ पर सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह सब कुछ आप क्लिक कर सकते हैं, शॉर्ट मूवीज बना सकते हैं। यहाँ पर आना कोई पाबंदी नहीं आने पर, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड करने नहीं देते हैं, 10-15 मिनट आप इधर बैठ सकते हैं। जैसे कि आपको बताया टाइम कम मिला था हमें यहाँ पर बैठने के लिए, तो हमने यहाँ पर थोड़े से शॉट लिए हैं, आपको वीडियो में दिखाएंगे। चाइना यादगार आप भी विजिट करें यहाँ पर, ये दनियोर में वाक़ा है, इस 10 मिनट से चौक से 10 मिनट लगता है, और आप आके यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छा ही मंजर है, बहुत देख सकते हैं, बहुत अच्छे फूल है, दरख्त है, बहुत अच्छा है, इसीलिए इधर आप पिक्चर्स निकालने के लिए, मूवीज बनाने के लिए बहुत अच्छा। यहाँ से बाहर आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने घर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल नया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो क्या बोलते हो शहीद भाई, कैसा लगा आपको चाइना यादगार? बहुत ही अच्छा लगा, इसको बहुत ही अच्छा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा, पहले भी आ चुका। अच्छा, ये पहले भी आ चुका था, लेकिन मेरा आपको पता है मैं इस जगह में नया हूँ, तो इससे पहले कभी आया नहीं था इधर, आज आया हूँ तो बहुत मज़ा आया, लेकिन टाइम हमें कम दिया तो इतना भी मज़ा नहीं आया।